एंड वेलकम टू कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल। और आज के फिजिक्स फाउंडेशन क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप जो है इसको ध्यान से देखना ताकि जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको। ठीक है, एग्जाम में दो चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी भी आती है और सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए भी आती है, लाइक जिसमें दो या दो से ज्यादा चार्जेस अवेलेबल हो उसके लिए भी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। खासकर सीबीएसई में आया हुआ न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो इसको ध्यान से देखना, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमेशा वर्कडन ही होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, वर्कडन होती है। हमेशा ध्यान रखना, दो तरह के फोर्स होते हैं, एक कंजर्वेटिव होता है, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव होते हैं जिनमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। मैं प्रीवियसली क्लासेस में भी बता चुका हूं, जिन पर वर्क डन जो है वो पाथ पर निर्भर नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता पाथ पर, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इसमें मैं पाथ से कोई मतलब नहीं, स्मूथ है रफ है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो पाथ पर डिपेंड करते हैं, जिनमें वर्क डन जो होता है वो पाथ पर डिपेंड करता है, जैसे विस्कस फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स। ये जो कंजर्वेटिव फोर्स इसमें जो वर्क डन करते हैं वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में सेव होता है। आगे मेरी बात समझे तो देखो, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी वो डब्ल्यू इक्वल टू यू होने वाली है, मतलब वर्क डन विल बी ऑलवेज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्क डन जो है वो ही हमेशा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव होता है। ठीक है, देखिए कैसे। मान लो मेरे को ये कैपिटल क्यू चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर स्मॉल आर डिस्टेंस है, यहाँ पर यहाँ पोटेंशियल है वी। ठीक है, इस पोटेंशियल की डेफिनेशन में इसके टर्म्स में देना चाहूँ तो क्यू से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना है, वी है। लेकिन यदि मैं स्मॉल क्यू चार्जेस को लेकर हूँ फ्रॉम इनफाइनिट तो एट दैट पॉइंट, और तब वर्क डन करना पड़ेगा मुझे डब्लू, तब इसी पोटेंशियल की वैल्यू कैसे होगी, वी इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू। पर इसके टर्म्स में लेना हो तो क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सॉरी आर, दोनों सेम फॉर्मूले हैं, बस पोटेंशियल इसी का ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी का ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है तो फोर्स भी इसका ही होगा, तो पोटेंशियल भी इसी का होगा, बट टर्म्स बदल जाएंगे। इसकी टर्म्स में बात की जाए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जो टेस्ट चार्ज है मतलब जिसको हम लेकर आ रहे हैं इनफाइनाइट से, उसके लिए जब हम उसकी टर्म्स में जब हम बात करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इसमें जो ये डब्ल्यू है, इस डब्ल्यू का फॉर्मूला होगा वी इंटू क्यू, पोटेंशियल इंटू चार्जेस, सही है ना। ये जो वर्क डन है यही पोटेंशियल एनर्जी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, W इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू V इनटू स्मॉल U, देन W इक्वल टू U एंड V यानी पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू दिस Q चार्ज, तो Q चार्ज की वजह से होगा Q फोर पाई एप्सिलॉन नॉट R, और यहाँ पर आ गया स्मॉल Q, देन W इक्वल टू U इक्वल टू, अब देखो आसान बनाने के लिए मैं जिसको Q1 अज्यूम करूँ और इसको जो आ रहा है इसको क्यू टू अज्यूम कर लूं, तो फॉर्मूला आ जाएगा क्यू वन क्यू टू फोर पाई एप्सिलॉन का, तो यही वर्क डन का फॉर्मूला है, वही पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है, ये आप ध्यान रखना। तो जो फॉर्मूला वर्क डन का है वही पोटेंशियल एनर्जी का है। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम जब दो या दो से ज्यादा चार्जेस हो तो क्या हो, तो देखिए मैं एक ही टॉपिक में सब कुछ करवाऊंगा, इसलिए आप बहुत गौर से देखना। ठीक है, देखो सपोज करो कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर पोटेंशियल है वी, इसके हर पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से वहां पर पोटेंशियल है वी। ठीक है, मुझे अलग अलग चार्जेस लेके जाना है, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, और यहाँ सेट करना है, और फिर मुझे पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला निकालना है। तो देखो एक और बात मैं बता देता हूँ, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये अकेले उस क्यू की नहीं है जिसको लाने में वर्कडन किया है, ये पोटेंशियल एनर्जी दोनों चार्जेस से जो सिस्टम बना है ना उसकी है। कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं हमको कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट तो हम, और कभी कभी बोल देते हैं सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि हमने तो जो ये ला रहे हम चार्ज टेस्ट चार्ज उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो ये पूरे सिस्टम की कैसे होगी, तो मैं आपको बता दूँ ये पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की होती है।
तो डेफिनेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोई चार्ज पहले से प्रेजेंट है, इसके पास कोई दूसरा चार्ज लेके आ रहा हूँ, तब जो वर्क डन कर रहा हूँ वो वर्क डन इन दोनों चार्जेस का जो सिस्टम है, दोनों चार्जेस से जो मिला हुआ सिस्टम उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। या फिर ऐसे कहा जा सकता है कि दो चार्जेस जो बहुत इनफाइनाइट पे दोनों, उन दोनों को पास पास लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो इन दोनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है ना, ठीक है, बस ये बस टर्म्स का फर्क है और कुछ नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज करने का तरीका है एग्जामिनर का। हाँ देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब खूब सारे चार्जेस हो तो क्या होते हो, तो मैं आपको एक ही जगह बता रहा हूँ। सपोज करो मेरे पास पहले से कोई एक्सटर्नल फील्ड है और इसके अंदर मुझे चार्जेस रखने हैं, तो देखो सबसे पहले मैं क्यू चार्ज लेके आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कहाँ से, इनफाइनाइट से, तो मुझे वर्क डन करना पड़ा क्यू चार्ज को लिए, वर्क डन फॉर क्यू चार्ज, क्यू वन चार्ज। ठीक है, क्यू वन चार्ज को इनफाइनाइट से लाने के लिए मुझे करना पड़ा क्यू वन चार्जेस को लाने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ा डब्ल्यू वन, डब्ल्यू वन। तो देखो जहां हम जाते हैं वहां पे पोटेंशियल पहले से प्रेजेंट है, तो फॉर्मूला आएगा क्यू वन डी, अभी निकाला था। ठीक है, तो सिमिलरली मैं क्यू टू चार्जेस को लेके आता हूँ इनफाइनाइट से, यहाँ लाके मैं क्यू टू को रख देता हूँ। इन दोनों की डिस्टेंस है आर वन टू, वन और टू के बीच की डिस्टेंस, तो मुझे कितनी बार वर्क डन करना पड़ेगा ये ध्यान देने की बात है। ठीक है, बहुत सिंपल सा ध्यान देना, जहां आप जा रहे हो वहां कितनी चार्जेस की वजह से या किस किस कारण से पोटेंशियल अवेलेबल हो सकता है, उनके खिलाफ आपको वर्क डन करना पड़ेगा, उनके लिए वर्क डन करना पड़ेगा, उन सबके साथ आपको पोटेंशियल एनर्जी बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ आऊंगा तो मुझे इस वीक के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आ रहा हूँ तो वीक पोटेंशियल पे आऊंगा तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो एक वर्क डन तो इसका होगा, तो वर्क डन फॉर क्यू टू, क्यू टू के लिए वर्क डन से डब्ल्यू टू, एक वर्क डन तो मुझे इस पोटेंशियल वाले फील्ड में आ रहा हूँ इसलिए करना पड़ रहा है, तो वी इंटू क्यू टू, ऐसे क्यू वन लिया वैसे क्यू टू भी। ठीक है, साथ में देखो एक क्यू वन प्रेजेंट और है यहाँ पर, मतलब क्यू वन पहले से प्रेजेंट है, मतलब क्यू वन का इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और जब क्यू वन का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसकी वजह से पोटेंशियल भी होगा, तो मैं यहाँ पर आया हूँ इसका मतलब मुझे क्यू वन के लिए भी काम करना पड़ेगा, और जब मैं क्यू वन के लिए वर्क डन करूंगा तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा क्यू वन क्यू टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन, तो मुझे दो बार वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, अब देखो मैं क्यू थ्री चार्जेस को लेके आ रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ से तो डिस्टेंस पर है, मैं यहाँ पे लाया जाता हूँ क्यू थ्री को, ये आर वन थ्री डिस्टेंस पर है और यहां से यहां तक है आर टू थ्री डिस्टेंस, आर टू थ्री डिस्टेंस। तो देखिए क्यू थ्री सबसे पहले तो मुझे इस एक्सटर्नल फील्ड के लिए वर्क करना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल फील्ड के लिए वर्क करूंगा तो वी इंटू क्यू थ्री, प्लस मैं यहां पे आया हूं तो मुझे क्यू वन की इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तो आ गया हूं, क्योंकि क्यू वन पहले से प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तो उसकी वजह से पोटेंशियल भी होगा, तो इस वजह से मतलब Q1 यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है, तो यहाँ पे के लिए भी मुझे वर्क डन निकालना पड़ेगा Q1 के लिए भी, और Q1 के लिए वर्क डन होगा Q1 Q2, बट यहाँ पे Q3 है, मतलब एक चार्ज है एक चार्ज है, तो मैं लिख सकता हूँ Q1 Q3 4 पाई एप्सिलॉन r 213। सिमिलरली मैं जब इसको यहाँ पे रखता हूँ तो Q2 भी तो प्रेजेंट है यहाँ पर, तो Q2 की वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसकी वजह से पोटेंशियल भी तो होगा, और पोटेंशियल होगा तो उसका फॉर्मूला आएगा Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू थ्री। ठीक है, देन टोटल वर्क डन कितना हुआ, देखो W1 प्लस W2 प्लस W3, देन W इक्वल्स टू W1 का फॉर्मूला आएगा Q1 V, फिर W2 Q2 V, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन टू प्लस Q3 V Q1 Q3 4 पाई एप्सिलॉन r13 Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन r23, ये टोटल वर्क डन है, यही पोटेंशियल एनर्जी है, कब, जब एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट हो। अब एग्जाम में भी आपका एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट के लिए पूछा गया है तो आप ऐसे डिराइव करोगे, फोर्थ वाला लेके आते हो, सपोज करो आप Q4 को लेके आ गए तो आपको कितने लिए वर्क डन करना पड़ेगा, पहले पोटेंशियल के लिए तो क्यू फोर भी, फिर आपको Q1 के लिए मल्टीप्लाई Q1 के लिए वर्क डन करना पड़ेगा Q1 Q4 4 पाई एप्सिलॉन r14, फिर आपको Q2 के लिए भी वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि Q2 का भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा यहाँ पर, तो उसकी वजह से तो पोटेंशियल रहेगा, तो उसके लिए आपको वर्क डन करेगा पड़ेगा Q2 Q4 4 पाई एप्सिलॉन r24। आपको Q3 के लिए भी वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे Q3 भी प्रेजेंट है, तो Q3 भी प्रेजेंट है तो मेरे को लिखना पड़ेगा Q3 Q4 4 पाई एप्सिलॉन r34, मुझे ये वर्क डन और एड करना पड़ेगा। सपोज करो आपके पास फोर्थ नहीं है तो आप मत लिखना,
ठीक है, फिफ्थ आएगा तो इसी तरीके से जितने चार्जेस हो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फटाफट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, इफ एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, मतलब आपको एक्सटर्नल फील्ड दे ही नहीं रखा है, जब दे नहीं रखा है तो आप यहां से ही एक्सटर्नल फील्ड हटा दोगे। जब एक्सटर्नल फील्ड हटा दोगे तो उसका पोटेंशियल भी नहीं रहेगा, और पोटेंशियल नहीं रहेगा तो उसका वॉल्यूम भी नहीं रहेगा, मतलब ये जो टर्म्स है ये कैंसिल हो जाएगी, और आपके पास ओनली यू का फॉर्मूला तब आ जाएगा क्यू वन क्यू टू फोर पाई एप्सिलॉन आर वन टू, क्यू टू क्यू थ्री फोर पाई एप्सिलॉन आर टू थ्री, एंड क्यू थ्री क्यू वन फोर सॉरी क्यू थ्री क्यू वन फोर पाई एप्सिलॉन आर थ्री, ये आप पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकाली जाती है। ठीक है, कई बार है जो एग्जाम में बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आप हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू वन क्यू टू के लिए वर्क डन, क्यू वन क्यू थ्री के लिए वर्क डन, क्यू टू क्यू थ्री के लिए वर्क डन। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जब एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, गर्मी बहुत आजकल, ठीक है, यदि एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है तब क्या हो, तब एक्सटर्नल फील्ड जब प्रेजेंट नहीं होता तो क्यू वन के लिए तो वर्क डन जीरो होता है क्योंकि यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, तो आप आसानी से इसे ला सकते हो। फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल नहीं है तो वर्क डन भी नहीं है। आई मेरी बात, क्यू वन के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, मेरी बात समझ गए आप। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि फोर चार्जेस हमको दे देते हैं इसे, और यहाँ सेंटर के लिए वर्क डन पूछ लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना फोर चार्जेस है उनके लिए यहाँ पर पोटेंशियल सेम आ रहा है तो वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, फोर चार्जेस वाले में इस थ्री वाले फॉर्मूले में ये थ्री का है, इसके अंदर ये एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तो आपका फोर वाला जो है फॉर्मूला बन जाएगा। जब चार्जेस फोर हो तब आपके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जो है इसे बहुत क्लियरली समझ लें ताकि इसका न्यूमेरिकल करने में आपको आसानी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है आप इस चैप्टर से पोटेंशियल से रिलेटेड लास्ट जो टॉपिक है वो करेंगे, उसके बाद एक दो क्लास में हम जो है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप जो है इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करें क्योंकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई ट्रिक के साथ। पर हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिए मत, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि उन्हें भी फिजिक्स से सब्जेक्ट जो है जो उन्हें टफ लगता है वो आसान लगे। ठीक है, तो जब तक के लिए जय हिंद जय।